सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने लाइव स्ट्रीम के बैकग्राउंड में कैसे म्यूजिक प्ले कर सकते हो, कैसे म्यूजिक चला सकते हो। अगर आप किसी से स्ट्रीम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरेक्टली आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। लेकिन आप मोबाइल स्ट्रीमर हो, मोबाइल से स्ट्रीम करते हो, मोबाइल से किसी भी एप्लीकेशन से स्ट्रीम करते हो, तो उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यार कैसे अभी आता है, तो आप वहाँ से जाके उनको सब्सक्राइब सीखो। खोलने जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑडियो लेस दर्ज करना है। तो दर्ज करने के बाद ऐसा चीज़ आ जाएगा तो उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी इंस्टॉल करके रखा हो या ना पे ओके। यहाँ के बाद यहाँ पे टाइप होना है, ऑडियो है वो आप जाकर यूज करना है। फिर आपको नोको प्लेट फॉर्म लेना है, तो दूसरा फॉर्म मन लीजिएगा, नोको प्लेट फॉर्म लीजिए, नहीं तो वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर से नोको प्लेट फॉर्म ले लीजिए, लेने के बाद यहाँ पर से ले लेता हूँ। लेने के बाद ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो ड्राइंग का सीन दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करिए, ओके करिए। ओके करने के बाद नीचे लेफ्ट कॉर्नर में प्ले का ऑप्शन है, उसको प्ले कर लीजिएगा। तो हमको जैसे प्ले करने के बाद आपको ऊपर में जब ऊपर में आपका वॉल्यूम का जो एक्सेस है, तो वहाँ पर से आपको वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको जितना अच्छा लगे उतना कर लीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स पर क्लिक करने से आपका सॉन्ग हो जाएगा। तो आप जब भी लाइव स्ट्रीम करोगे, जब भी आप लाइव स्ट्रीम करोगे पहले आप इसको म्यूजिक प्लेयर में जाके प्ले कर सकते हो, और नहीं तो आप स्ट्रीम शुरू करने के बाद भी आप लोग प्ले कर सकते हो। प्ले करने के बाद आपका बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया से